वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक बहुत ही इजी और सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आप घर बैठे एंटी एजिंग और स्किन वाइटनिंग क्रीम बना सकते हैं। ये क्रीम 100% इफेक्टिव है और इसमें यूज किए गए इंग्रेडिएंट्स भी 100% नेचुरल है, जो कि आपको इजीली अपने किचन में किसी भी लोकल स्टोर पर मिल जाएंगे। इस क्रीम के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, जैसे कि आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और वाइटन करती है और आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स या एजिंग साइंस को भी रिमूव करती है। इस क्रीम को अगर आप रेगुलर अप्लाई करते हैं तो ये आपके डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी कम्प्लीटली दूर कर देगी और आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाएगी। और इस क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट है चावल या राइस। चावल के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन बी होता है और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो कि हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्टअप करता है और हमारे एजिंग साइंस जैसे कि रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम्प्लीटली रिमूव करता है। चावल को हजारों सालों से जापान और कोरिया में एक नेचुरल ब्यूटी ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जा रहा है और ये एंटी एजिंग और स्किन वाइटनिंग राइस क्रीम भी वहीं से इंस्पायर्ड है। जापान और कोरिया की विमेन इस राइस क्रीम को बहुत ज्यादा अपनी डेली रूटीन में यूज करती है, जिससे उनकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर, ग्लोइंग, रेडिएंट और सॉफ्ट और सपल बनती है। राइस आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपकी स्किन को बहुत सारी स्किन डिजीजेस से भी बचाता है। चावल के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो कि आपके ग्रोथ ऑफ स्किन सेल्स को प्रमोट करते हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होती है और आपकी स्किन फेयर, ग्लोइंग, स्मूथ और स्पॉटलेस बनती है। तो इस क्रीम को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कटोरी में 2 से 3 बड़ी चम्मच सफेद चावल ले लीजिए। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से धो लीजिए और अच्छे से चावल को धोने के बाद आप एक बड़े बोल में 2 से 2.5 कप पानी डाल लीजिए और फिर उसके अंदर धुले हुए चावल डाल दीजिए। अब फिर आप इन चावलों को अच्छे से पकाइए और तब तक पकाइए जब तक आपके चावल थिक और मैशी ना बन जाए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और जब आपके चावल अच्छे से पक जाए तो आप एक छन्नी की मदद से इन चावलों का रस निकाल लीजिए। और चावलों को अच्छे से छानने के बाद आपको एक बहुत ही क्रीमी और थिक पेस्ट मिलेगा, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और अब आपको इस थिक राइस पेस्ट में आधा नींबू निचोड़ना है और अब नींबू निचोड़ने के बाद आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इस पेस्ट में आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है, जिसको हम मकई का आटा भी बोलते हैं। और अब फिर से आपको इन सबको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए और इस पेस्ट के अंदर कोई भी लम्ब्स या गाँठे न बने। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर या मकई का आटा नहीं है तो आप इस क्रीम के लिए मैदा या लिकोराइस पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और अब लास्ट में आपको इस मिक्सचर के अंदर आधा चम्मच विटामिन ई ऑयल डालना है। और अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई कैप्सूल्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी फार्मेसी स्टोर पर इजीली मिल जाएंगी। और विटामिन ई ऑयल डालने के बाद आप अगेन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी होममेड स्किन वाइटनिंग राइस क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी। अब मैं इस राइस क्रीम को एक छोटे कंटेनर में ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि मैं इसे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकूँ। और आप इस क्रीम को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 7 से 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और आप इस क्रीम को अपनी बाकी सभी क्रीम्स की तरह यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ इस क्रीम को अपने फेस और नेक पर लगाइए और जेंटली सर्कुलर मोशंस में मसाज कीजिए ताकि ये क्रीम आपकी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन को एक रेडिएंट ग्लो दे। और आप इस क्रीम को एज अ डे क्रीम, नाइट क्रीम या मेकअप और सनस्क्रीन से पहले भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस क्रीम को डेली कुछ दिनों तक दिन में 2 बार यूज करेंगे तो ये क्रीम आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइटर और वाइटर बनाने के साथ साथ आपकी स्किन को स्पॉटलेस, ग्लोइंग और रेडिएंट बनाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।